लिम्रा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सभी सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा न्यूज। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 तीर्थयात्रियों की मौत, सरकार ने दिए जांच के आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत होने की भी सूचना है। हादसा गरुड़ चट्टी के पास हुआ। क्रैश का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर आर्यन हेली कंपनी का बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 यात्री बैठे थे और हादसे में सभी की मौत हो गई। घटना का कारण घना कोहरा बताया जा रहा है। दरअसल केदारनाथ धाम में लगे कोहरे के कारण लोगों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। घटना के बाद हेलीकॉप्टर के कई टुकड़े हो गए। घाटी में हो रही तेज बारिश के बीच घटना स्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोग दक्षिण भारत के यात्री बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक प्रकट किया है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश की घटना बहुत दुखद है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे।